आज पूरे संसार में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि मैं किसी के अधीन नहीं रहूंगा, मैं किसी के अधीन नहीं रह सकता। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक दास को अपने स्वामी के अधीन, एक कलीसिया को अपने अगुओं के अधीन, एक पत्नी को अपने पति के अधीन, एक विश्वासी को परमेश्वर के वचन के अधीन रहना जरूरी है, बच्चों को माता पिता के अधीन रहना। और इसका उल्टा क्या है, जब आप अधीन नहीं हो वचन के अनुसार तो आप किस क्षेत्र में आते हो, आप विरोधी हो। आप अपनी माता पिता की आज्ञा नहीं मान रहे, आप अपने माता पिता के विरोधी हो। आप अपने अगुओं की नहीं मान रहे, इसका मतलब आप उनका विरोध कर रहे हो। आप अपने टीचर का, अपने गुरु का नहीं मान रहे, आप उनका विरोध कर रहे हो। आप कह रहे हो मैं तो किसी के अधीन नहीं हूं, मुझे किसी के अधीन रहने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो, आप उनका विरोध कर रहे हो। और बाइबल कहती है व्यवस्था का विरोध करना। ये व्यवस्था किसने दी है हमें, परमेश्वर ने। किसके लिए दी है, हमारे लिए। और हम क्या कर रहे हैं, अगर परमेश्वर कुछ कह रहा है और हम उसको मान नहीं रहे तो हम इनडायरेक्टली किसका विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं हम। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कौन है इस धरती में जो परमेश्वर का सामना कर सकता है। और ये स्वभाव किसका है, अधीन ना रहना, ये नेचर किसका है बताओ। हाँ, कौन नहीं रहता अधीन, लूसिफर शैतान वही था जिसने विद्रोह किया सबसे पहले। वो परमेश्वर की अधीनगी में नहीं रहा और उसने अपने पीछे 33% दूतों को भी लगा लिया था और उन्होंने भी, उनको भी यही सिखाया कि तुम अधिकार का विरोध करो, परमेश्वर के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, हम ही परमेश्वर हैं। और आज भी वही शैतान का आत्मा बच्चों के अंदर, कलीसिया के अंदर, अगुओं के अंदर, जहां पर भी जो भी है उनकी लाइफ में काम करता है। माता, आज बच्चे माता पिता के अधीन नहीं रहना चाहते, पत्नी पति के अधीन नहीं रहना चाहते, दास स्वामी के अधीन नहीं रहना चाहता, कलीसिया अपने अगुओं के अधीन नहीं रहना चाहती। आज प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ी, और इसके कारण ही जो स्ट्रक्चर टूटा है, जो वेदी टूटी है, उसके कारण लोग दुख उठा रहे हैं और आज उनके पास कोई मार्ग नहीं है बच्चे, क्योंकि किसी को भी अधीन नहीं रहना। और ये अधीन की कौन कह रहा है हमें अधीन रहना है, ये परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर को पता है जब एक व्यक्ति अधीनगी में रहता है वो डिसिप्लिन में रहता है, वो डर में रहता है, वो बुद्धिमान होता है। अगर हम बाइबल में प्रेरितों के काम में एक जगह पर प्रेरितों 4:13 में अगर हम पढ़े तो जब चेले यीशु की अधीनगी में रहे और एक समय आया जब वो प्रचार कर रहे थे और बड़ी भीड़ उस जगह पर खड़ी थी, वो बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने उनके साहस को देखा, उनकी उस बुद्धि की बातों को सुना, तो उन्होंने कहा ये कौन है, क्या ये वही पत्रस योहन्ना, वो मछुआरे नहीं है ये। पर किसी ने कहा है तो वही, पर ये यीशु के साथ रहे हुए हैं। हालेलुया। जब आप अधीनगी में रहते हो, अपने अगुओं की अधीनगी में, अपने प्रभु की अधीनगी में रहते हो, तो फिर आपका साहस बोलता है, आपकी बातें बुद्धिमान की बोलती है, आपका जीवन फिर बोलता है। हालेलुया।